Top 20 News is brought to you by Ora Fine Jewelry in association with Symbiosis Center for Skill Development. नमस्कार, स्वागत है आपका NBC News पर। आज की टॉप 20 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। महाराष्ट्र में चल रहा मराठा आरक्षण आंदोलन खत्म हो गया है। मनोज रांगी पाटिल की ओर से शनिवार को विरोध प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा के बाद मराठा आरक्षण कार्यकर्ताओं ने जश्न भी मनाया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पांचवी बार पलटी मारने के लिए तैयार बैठे हैं। सूत्रों के मुताबिक विभाग बंटवारे की डील फाइनल होते ही नीतीश कुमार अपना इस्तीफा राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर को सौंप देंगे। इसके बाद बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार बनाने की कवायद होगी। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में इंडिया गठबंधन पर बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने कहा कि गठबंधन है ही कहां, एक एक कर सभी छोड़ते जा रहे हैं। टीएमसी ने खुद कहा है कि वो पश्चिम बंगाल में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। अमृतसर जिले में बीएसएफ और पंजाब पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से चलाए ऑपरेशन में ड्रोन बरामद किया गया। ड्रोन चीन में बना हुआ है। ड्रोन के जरिए भेजा हीरोइन का पॉकेट भी इस वक्त जब्त किया गया है। पंजाब के होशियारपुर के मुखेरिया में कार और ट्रक में भीषण टक्कर होने का मामला सामने आया है। हादसा इतना भीषण था कि कार में ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में कार में सवार चार लोगों की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। इसी बीच कोहरे के कारण दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं और कुछ रद्द हो गई हैं, जिसकी वजह से यात्री अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। ओडिशा के कोरापुट के जेपोर में भयानक सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है जबकि 13 लोग घायल हो गए हैं। सीएम नवीन पटनायक ने मृतकों के परिजनों के लिए 3-3 लाख रुपए की घोषणा की है। पंजाब की भगवंत मान सरकार सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने जा रही है। राज्य में सड़क सुरक्षा बल लॉन्च किए जाने के बाद सड़कों पर हर समय सुरक्षा बल के जवान मौजूद रहेंगे। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में 6 आरोपियों को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। पिछले साल 13 दिसंबर को इन आरोपियों ने संसद की सुरक्षा में सेंधमारी की थी। पाकिस्तान में आम चुनाव के पहले इमरान खान की पार्टी के नेताओं को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पीटीआई के अध्यक्ष परवेज गिलाही और कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं को 8 फरवरी को होने वाले आम चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी है। ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में राहुल गांधी को सभा करने की अनुमति नहीं दी है। कांग्रेस ने यात्रा के रूट में बदलाव किया है। कूचबिहार के बजाय अब जलपाईगुड़ी से यात्रा शुरू होगी। प्रकाश आम्बेडकर को लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए एमवीए ने न्योता भेजा था। इसका एक लेटर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक भारतीय राजनीति के बेबाक नेताओं में से एक है। नाईक को पद्म भूषण के सम्मान से नवाजा गया। अपने लंबे सामाजिक और राजनीतिक जीवन में उन्होंने लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता दी। अपनी कार्यशैली की वजह से राम नाईक सक्रिय राजनीति से दूर होने के बावजूद लोगों के मानस में बने रहे। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को कहा कि उनके बेटे की एक कुख्यात अपराधी से मुलाकात गलत थी और इसे टाला जाना चाहिए था। इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। पवार ने कहा कि वे पार्थ पवार और गैंगस्टर गजानन माने की मुलाकात का सभी विवरण जुटाएंगे। भारत में शुक्रवार को कोविड-19 के 187 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र निवासी एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। बिग बॉस सीजन 17 अपने आखिरी पड़ाव पर आ गया है। 28 जनवरी को शो का फिनाले है। इसके बाद विनर का नाम भी पता चल जाएगा। इसी बीच सभी लोग अपने चौथे कंटेस्टेंट्स के सपोर्ट में सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में अब एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस का नाम भी शामिल हो गया है। बॉलीवुड डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की फाइटर सिनेमाघरों में अपना दबदबा बनाते हुए नजर आ रही है। श्रीतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। फाइटर की कहानी लोगों के दिलों को छू रही है। इसी बीच फिल्म ने रिलीज के दूसरे दिन धमाकेदार कारोबार कर मेकर्स को खुश कर दिया है। 26 जनवरी के मौके पर एमएस धोनी का नया लुक सामने आया है। एमएस धोनी ने रांची के अपने घर में 26 जनवरी के मौके पर तिरंगा भी लहराया। एमएस धोनी की वाइफ साक्षी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर की है जिसमें एमएस धोनी तिरंगे के साथ नजर आ रहे हैं। इंग्लैंड ने भारत की पहली पारी को 436 रनों पर समेट दिया है। इसी के साथ हैदराबाद टेस्ट में भारत को पहली पारी में 190 रन की लीड मिली। इंग्लैंड ने पहली पारी में 246 रन बनाए थे। भारत की ओर से 3 बल्लेबाजों ने 80 से ज्यादा रन बनाए। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और कैबिनेट मंत्रियों ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजभवन में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा आयोजित एट होम रिसेप्शन का बहिष्कार किया है। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव के आर ज्योतिलाल एकमात्र अधिकारी थे जो शुक्रवार शाम राजभवन में एट होम में शामिल हुए। ये थी आज की टॉप 20 खबरों का सिलसिला NBC News पर यूं ही लगातार चलता रहेगा। बने रहे हमारे साथ NBC News पर। नमस्कार।